हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट राजेश लोधी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बंदूक का लाइसेंस कैसे लें और उसके लिए क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं। दोस्तों, आर्म एक्ट में संशोधन हो गया है 2019 में और अब इसके तहत बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा 14 साल की सजा भी हो सकती है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है और आपके लिए क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आवेदन करना पड़ता है DM के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर होते हैं जिले के, उनके पास आपको आवेदन करना है। उस आवेदन में आपको आपकी संपत्ति का ब्यौरा देना है, आप क्या काम करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है, आपके पास कितनी संपत्ति है और आपको किस व्यक्ति से जान का खतरा है, ये सारी चीजें आवेदन में आपको देनी होती हैं। ये सारे दस्तावेज लगाकर आप आवेदन करते हैं DM के पास। इसके बाद DM जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो SP के पास आपकी फाइल भेजते हैं दोस्तों, और SP आपकी फाइल को थाने में भेजते हैं। थाने वाले आपके आपने जो दस्तावेज लगाए हैं उनकी सत्यता की पुष्टि करते हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हैं और उनकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद में वो थाने वाली जो फाइल होती है उसको पुनः SP के पास रिपोर्ट लगाकर भेज दिया जाता है दोस्तों। इसके पश्चात एसपी नेशनल क्राइम ब्यूरो में आपकी फाइल को भेजते हैं और पूरे देश में किसी भी राज्य में आपका रिकॉर्ड तो नहीं है ये बात चेक करी जाती है। और उसके पश्चात सारी डिटेल्स लगाकर फाइल को दोबारा से DM के पास भेज दिया जाता है दोस्तों। अब DM आपको बुलाते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको हथियार की आवश्यकता क्यों है और आप उस हथियार का कहां और कैसे उपयोग करेंगे। इसके लिए दोस्तों, अगर आपके आंसर से कलेक्टर साहब संतुष्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, इन्हें लाइसेंस की सख्त जरूरत है, वाकई इनको लाइसेंस दिया जाना चाहिए, तो वो आपका लाइसेंस दे सकते हैं। नहीं तो आपकी रिपोर्ट अगर सभी जगह से ठीक भी आई है तो भी वो लाइसेंस देने से मना कर सकते हैं। ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। दोस्तों, भारत में रहने वाले नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिकों को भी 6 महीने के लिए लाइसेंस दिया जाता है और पहले लाइसेंस के रिन्यूअल की जो समय सीमा थी वो 3 साल होती थी, अब 5 साल के लिए इस सीमा को बढ़ा दिया गया है। एक बार लाइसेंस लेने पर 5 साल तक आप उस लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको लाइसेंस मिलने के बाद आपको थाने जाना होता है। थाने में आपके लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन होता है और वेरिफिकेशन होता है। आपके दस्तावेज और आपका लाइसेंस और आपका जो हथियार है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके पश्चात वो आपको दे दिया जाता है। अब जब भी चुनाव होते हैं ऐसी स्थिति में आपके लाइसेंस को और आपके हथियार को पुलिस अपने पास जमा कर लेती है। अगर दोस्तों आपके लाइसेंसी हथियार से आपके द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में आपके लाइसेंस और आपके हथियार को थाने में जब्त कर लिया जाता है। तो अब एक व्यक्ति 2 से ज्यादा लाइसेंस नहीं ले सकता है। पहले एक व्यक्ति को 3 हथियारों का लाइसेंस लेने की परमिशन थी, लेकिन अब 2009 में आर्म एक्ट में संशोधन हो गए हैं और एक व्यक्ति को 2 से ज्यादा लाइसेंस नहीं दिए जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के नाम पे लाइसेंस होता है वही व्यक्ति हथियार रख सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। शादी समारोह में लाइसेंस वाले जो हथियार होते हैं उनको चलाने की परमिशन नहीं होती है, वो गैर कानूनी माने गए हैं दोस्तों। जो व्यक्ति ऐसा करता है उस पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के नाम लाइसेंस है वही व्यक्ति अपने हथियार को रख सकता है और लाइसेंसी हथियार का उपयोग किसी व्यक्ति को डराने धमकाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लाइसेंसी हथियार को कैसे रखना चाहिए और किसी भी हथियार का लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या नियम और क्या क्या शर्तें हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपके मित्रों और रिश्तेदारों को भी भेजिए ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके।